डीटीएच प्लेटफॉर्म्स और केबल टीवी नेटवर्क्स पर उपलब्ध है। तो देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। सात जून तक हमने देखा कि करीब 1,00,000 केसेस प्रतिरोज के हिसाब से देश में रिपोर्ट हो रहे थे, और अब अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब 60,471 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि जो पीक देश ने एक नोट की थी उसमें करीब 85% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ द डेली केसेस गेटिंग रिपोर्टेड अब हम नोट कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों से हम देखें तो पाते हैं कि देश में 1,00,000 से कम संख्या में डेली बेसिस पर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जैसे कि मैंने आपसे अभी सबमिट किया है कि 60,000 केसेस अगर देश में अब रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में, तो वह डेटा भी करीब 75 दिनों बाद हम यानी कि 31 मार्च के बाद हम यह परिस्थिति देश में देख रहे हैं कि केसेस में इस लेवल की कमोबेशी आई है। 27 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहां पर कि 1,000 से कम संख्या में डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह इसलिए समझना जरूरी है कि इससे इंडिकेट होता है कि ओवरऑल इन्फेक्शन का डिक्लाइन देश में हम लोग नोट कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि किस गति से एवरेज डेली केसेस देश में जो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी हम जहां एक स्थाई पर हमें एवरेज 3,87,000 केसेस 5 से 11 मई वाले हफ्ते में हमने देश में एवरेज बेसिस पर नोट किए, उसमें काफी गति से पिछले 5 हफ्तों में केसेस में कमी नोट की गई है, और उस कमी की जो गति है उसमें भी हम एक स्पीड एक अच्छी प्रोग्रेस नोट कर रहे हैं, और हम पाते हैं कि पिछले 2 हफ्ते में 30% से भी अधिक मात्रा में हमने रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ एवरेज केसेस नोट किया है। साथ ही अगर हम समझें कि देश में कितने ऐसे जिले हैं जहां पर कि 100 से अधिक केसेस प्रतिरोज की संख्या में रिपोर्ट हो रहे थे, तो जैसे कि 4 मई वाला जो हफ्ता था उसमें 531 ऐसे जिले देश में थे, वह घटकर अब 165 जिले रह गए हैं। यानी कि अगर हम देखें तो पिछले 6 हफ्तों में 366 जिले ऐसे हैं जो कि पहले अधिक संख्या में केसेस रिपोर्ट कर रहे थे और उनमें कमी आई है, विच इज ए वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन इन टेलिंग अस कि जो देश का इन्फेक्शन है वह रिलेटिवली लिमिटेड टेरिटरीज में ही अब हम नोट कर रहे हैं। एक और मुख्य विषय जहां एक स्थाई पर केसेस हमें कंट्रोल करने हैं, वहीं दूसरे स्थाई पर वह केसेस जो कि या तो होम आइसोलेशन या मेडिकल सेटअप में है जिनको हम मॉनिटर कर रहे हैं, उनमें हमने देखा था कि 10 मई वाले सप्ताह में ऑन एन एवरेज 37,00,000 के करीब देश में एक्टिव केसेस की दृष्टि में थे, जो 22 मई तक घटते घटते 30,00,000 से कम हुए, 1 जून तक वे अराउंड 20,00,000 से कम यानी कि 18.95 लाख केसेस हुए, और अब हम देख रहे हैं कि ऑन एन एवरेज हमारे देश में करीब 9,00,000 के करीब ऐसे केसेस हैं जो कि एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि करीब 65 दिनों के बाद देश में एक्टिव केसेस की संख्या में एक और विजिबल कमी आई है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि एक्टिव केसेस आर लेस देन 10,00,000, और आज हमने देखा है कि पीक के कंपैरिजन में करीब 28.3 लाख केसेस जो पहले एक्टिव केसेस की दृष्टि थे वह अब कम हो गए हैं। करीब 75.6% जो हमने पीक इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेस मैनेज किए थे वह घटते घटते 75.6% कम हो गया है। और मुख्य विषय ऐसा है कि हम देखें कि एक समय पर जब देश में 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, आज वह घटकर खाली मात्र 2.96% केसेस ऐसे हैं जो कि करीब एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। साथ ही मुख्यतः हम देख रहे हैं कि कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि एक्टिव केसेस की संख्या में काफी कमी आई है। देश में 20 स्टेट्स ऐसी हैं जहां आज एक्टिव केसेस 5,000 से भी कम हैं, और ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में हम एक्टिव केसेस में एक ड्रास्टिक रिडक्शन भी नोट कर रहे हैं। इसी के साथ ही एक स्थाई पर वह केसेस जो कि देश में मॉनिटर किए जा रहे हैं, कंटिन्यूड एफर्ट्स एट फील्ड लेवल, हम उस स्थिति में भी पहुंचे हैं कि हमारे देश में ओवरऑल रिकवरी रेट में भी एक बहुत पॉजिटिव प्रोग्रेस नोट की जा रही है। जैसे कि हम देखें तो पाते हैं कि जहां 3 मई वाले समय पर देश में 81.8% रिकवरी रेट था, वह 18 मई तक 85.6% यानी कि 85% तक पहुंचा, और 27 मई तक
बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड एफर्ट्स एट द फील्ड लेवल वह 90% तक पहुंचा और आज बढ़ते बढ़ते देश में क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट 95.6% तक पहुंच चुकी है। हमने यह रिकवरी रेट करीब 2.5 महीने के बाद इस देश में नोट किया है। सतत प्रयास जो फील्ड पर किए गए हैं उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स अब हमारे सामने आ रहे हैं। मुख्यतः इसमें भी हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में रिकवर्ड केसेस आर मोर देन द डेली केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड, यानी कि एक्टिव केसेस की संख्या में कंटिन्यूड बेसिस पर कमी पाई जा रही है। एक मुख्य विषय और हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर आप देखें कि पिछले 24 घंटे में देश में 1,17,525 रिकवरीज हुई हैं, तो यह करीब 2 गुनी है जो कि देश में टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर रिकवरी में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस नोट किया जा रहा है। हम सबको अवगत है जब एक स्थाई पर देश में केसेस की संख्या बढ़नी शुरू हुई तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करते हुए जहां हम लोग करीब 7.9 लाख टेस्ट पर डे ऑन एन एवरेज कर रहे थे करीब मार्च के समय में, उसको हमने बढ़ाकर एज हाई है 21.35 लाख एवरेज टेस्टिंग पर डे के औसत से लेके आए। और जब देश में 70-75% केसेज में कमी नोट की जा रही है तब भी टेस्टिंग पर कंटिन्यूड फोकस बनाते हुए पिछले एक हफ्ते में औसतन 18.78 लाख टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस किए जा रहे हैं। और जहां देश में एक स्थाई पर इस अधिक संख्या में टेस्टिंग की जा रही है, उसी के साथ हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस बीइंग इम्पोज्ड एट द फील्ड लेवल इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट एक्टिविटीज, तो एक समय में जहां पर कि 4 से 10 मई वाले हफ्ते में देश में एवरेज पॉजिटिविटी वॉज एज हाईएस्ट 21.4%, विच इंडिकेट कि बहुत हाई स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन देश में पाया गया, वह घटते घटते पिछले 5 हफ्तों में करीब 4.8% औसतन हो गई है, यानी कि 78% डिक्रीज इन द ओवरऑल केस पॉजिटिविटी विच वॉज नोटेड ड्यूरिंग द पीक टाइम ऑफ द सेकेंड वेव। इसमें भी मुख्य विषय यह है कि हम देखते हैं कि पिछले 8 दिनों से कंटिन्यूड बेसिस पर देश में 5% से भी कम पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। और अगर पिछले 24 घंटे की केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो इट हैज कम डाउन टू एज लो एज 3.45%, जो भी करीब पिछले 3 माह बाद हम देश में इस टाइप का ओवरऑल स्टेटस नोट कर रहे हैं। साथ ही हमने देखा है कि ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में पॉजिटिविटी में जो ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है उसके तहत 16 स्टेट ऐसी हैं जहां पर की वीकली पॉजिटिविटी अब 5% से भी कम हो गई है। ऐसी बड़ी स्टेट जो कि देश की बड़ी जनसंख्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, वहां पर तो एज लो एज 1.52% पॉजिटिविटी भी पिछले 24 घंटे में नोट की गई है। एक मुख्य विषय हम सब इससे पहले चर्चा करते आए हैं और इससे पहले भी इस फोरम इस मंच के द्वारा इस विषय में कई बार बात की गई है, एक भय का वातावरण क्रिएट किया गया हुआ, वह यह है कि एक स्थाई पर लगा कि हमारे बच्चे हमारे युवा वह बहुत अधिक संख्या में सेकेंड वेव में पॉजिटिव आए हैं। और उसी से लिंक एक इशू यह बनाया गया कि हो सकता है अगर कभी थर्ड वेव आती है तो तब हमारे बच्चे उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उसमें ज्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसी मंच के द्वारा तकनीकी स्थाई पर काफी डिटेल में इस विषय पर एक्सप्लेन किया गया है कि बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं लेकिन उनका जो सीवियरिटी है वह कम रहती है, लेकिन क्योंकि बच्चे अवेलेबल हैं एज ए ससेप्टिबल पॉपुलेशन टू बी इन्फेक्टेड, तो अगर घर के बड़े भी बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वह इन्फेक्ट होकर घर में बच्चों के साथ मिलते हैं, प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर सकते तो बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भय के वातावरण की जरूरत नहीं है, जरूरत है बच्चों को अवेयर करना, जरूरत है समाज में हर फैमिली को अवेयर होना। इसी विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अगर आप देखें जो हमारा युवा पॉपुलेशन यानी 31 से 40 साल और 41 से 50 साल के जो हमारा युवा वर्ग है, तो अगर पिछले साल उसमें 21.21%, 21.23% एंड 17.3% इन डिफरेंट एज ग्रुप में केसेस आए, तो उसी के समानांतर हमने देखा है कि इस बार की वेव में भी 22.9%, 22.7% एंड 17.26%, यानी कि उसी अनुपात में इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में नोट किया गया।
इसी तरीके से अगर हम चाइल्ड ग्रुप को नोट करें तो जैसे एक से दस साल में पिछले साल करीब 3.28% केसेस में इन्फेक्शन पाया गया, उसी के अनुपात में सेकेंड वेव में 3.05% पाया गया। साथ ही 11 से 20 वर्ग में अगर हम देखें कि 8.03% लोग इन्फेक्ट हुए तो उसी के प्रोपोर्शन में 8.57% पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की सेकेंड वेव में भी इन्फेक्ट हुई। हम आपके द्वारा यह विनती करना चाहते हैं, हमें सतर्क रहना है, हमें हर एज ग्रुप के लिए सतर्क रहना है, लेकिन भय का वातावरण क्रिएट ना हो। आज भी वह पॉपुलेशन जो इन्फेक्टेड नहीं है, अगर वह प्रिकॉशन नहीं लेगी तो वह इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबल है, तो हम उसके अंतर्गत जो चर्या करनी है, जो कार्य करना है, उस पर अपना फोकस बनाए रखें और साथ में एक जागरूकता अपने समाज में हर स्थाई पर लाएं कि जिससे हम इन्फेक्शन के फैलने को रोक सकें। साथ ही एक और मुख्य विषय, एक पॉजिटिव न्यूज हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहते हैं। फील्ड स्थाई पर हमारे कार्यकर्ताओं के एफर्ट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के कंबाइंड एफर्ट्स के साथ करते हुए हम लोगों ने 26 करोड़ का एक बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वैक्सीन डोजेज आज कंप्लीट किया है। मध्यान्हम आज हमने आफ्टरनून के समय में यह फिगर भी कंप्लीट किया कि 26 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में वैक्सीन डोजेज ले चुके हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज जो कि हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, उनमें 1.7 करोड़ डोजेज, 2.58 करोड़ डोजेज एंड 17.24 करोड़ डोजेज भी उनको दी जा चुकी हैं। हमारे सतत प्रयास हैं, हमने आपको इससे पहले भी अवगत किया है कि एक स्थाई पर वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाते हुए, दूसरे स्थाई पर फील्ड में काम करते हुए हम वैक्सीन को एज ए स्ट्रैटेजी चाहते हैं कि सब लोग जब भी वैक्सीन अवेलेबल हो, पर्टिकुलरली प्रायोरिटी एज ग्रुप, वैक्सीन को लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करें। इसी के साथ ही एक और विषय मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। हम सबको अवगत है, अब हम केसेस में एक रिमार्क्ड, एक मेजर चेंज नोटिस कर रहे हैं, एक रिडक्शन नोट कर रहे हैं। हर जिले में, हर स्टेट में अब कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है। ऐसे समय में जब रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, तो इससे पहले भी हमने कई बार इस विषय पर चर्चा की है कि जरूरी है कि हम एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से और इस बीमारी के बारे में समझते हुए क्या हमें अपना बिहेवियर अपनाना है, उसमें कोई कोताही ना हो, उसमें कोई कमी ना हो। जिसके लिए जरूरी है कि अब हमारा युवा वर्ग हो, वह अगर बाहर भी निकले, कोई भी ट्रैवल करे या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे, तो उसको क्या प्रिकॉशंस रखनी है, यह बहुत आवश्यक है। नहीं तो जैसे कि कई बार कहा गया है, जो कुछ संजोया है, जो कुछ पाया है, वह हम फिर से खो सकते हैं। इस बीमारी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक इनविजिबल एनिमी है, इसको हमें कंट्रोल करने के लिए पूरी प्रिकॉशन सतत तरीके से लेनी पड़ेगी। जिसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहां तक हो सके ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूजेज कम करें, जरूरी हो तो वॉक के थ्रू या साइकिलिंग कर लें। अगर कभी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी करना चाहें तो हम आपसे विनती करते हैं कि रश आवर्स को अवॉइड करें, ऐसे समय पर ट्रैवल करें जिससे जिस समय पर भीड़ कम हो। साथ ही अगर कोई क्राउडेड बस हो या ट्रेन हो तो जरूरी है कि हम थोड़ा समय वेट कर लें जब नेक्स्ट बस या ट्रेन आए, ताकि भीड़ में हमें चलना ना पड़े। जरूरी है कि रेस्पिरेटरी हाइजीन का हम फॉलोअप करें, जिसमें कि मुख्य विषय है कि अगर हमें कोई कफिंग हो या स्नीजिंग हो तो हम अपनी एल्बो से उसको प्रोटेक्ट करें ताकि ड्रॉपलेट्स इधर उधर ना फैलें। जरूरत है कि हम अगर अपनी कार में भी जाएं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी जाएं, तो कोशिश करें कि वह कार जिसमें ज्यादा लोग हों उसमें हम, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, तो हम उसमें सिंगल पैसेंजर या लिमिटेड पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल करें। हम फ्रेश एयर का इस्तेमाल बढ़ाएं, जिसके लिए जरूरी है कि हम विंडोज को ओपन रखें, हम हैंड हाइजीन पर अपना ध्यान रखें। जब भी हम बाहर निकलें और लौट कर आएं, तब हम अपने हाथ को पानी से या हैंड सैनिटाइजर से उसके द्वारा साफ रखें। और कोई भी सिम्टम्स हों तो हम आप सबसे विनती करेंगे कि अपने आप को, अपनी फैमिली को और समाज में सबको सुरक्षित रखने के लिए काइंडली ट्रेवल को अवॉइड करें। हमारी लड़ाई में, जो अब तक की लड़ाई है, उसमें वेपन्स वही लिमिटेड हैं। हमें जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सोशल वैक्सीन के रूप में हमारा सबसे बड़ा हथियार रहेगा। जबकि समाज में अब हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज खोलने जा रहे हैं, मार्केट्स खुल रही हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल रहा है, उस समय पर
पुराना कई बार जैसे कि कुछ प्रांतों में नोट किया गया कि पार्टीज बढ़ी, लोगों का इंटरेक्शन इतना बढ़ा कि उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स को कम किया या छोड़ ही दिया, ऐसी सिचुएशन फिर ना आए। हम ध्यान रखें कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड एज वेल एज एनवायरमेंटल हाइजीन की जो सतह है वह साफ रहे, उस पर हमारा ध्यान रहे। एक स्थाई पर समाज के रूप में जब हम इसको एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में सब लोग कार्य करें, दूसरे स्थाई पर मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर सरकार, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट इस पर फोकस रखेगी कि क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का प्रॉपर फॉलोअप हो, ताकि हमारे ना कि अर्बन एरिया बल्कि रूरल और ट्राइबल एरियाज में भी वह पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, वह पर्टिकुलर अप्रोच हम डिटेल में हाईलाइट करके सबको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा एडिशनल टूल हम लोगों के साथ है, उसका इस्तेमाल करें। हमारी लड़ाई जन भागीदारी, जन आंदोलन से ही जीती जा सकती है। साथ ही जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि एक स्थाई पर वैक्सीनेशन हमारे पास टूल के रूप में अवेलेबल है, जन भागीदारी जन आंदोलन के रूप में हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से अपना प्रयास, अपने एफर्ट्स कभी कम ना करें। और खासकर अब जब सेकेंड वेव में हम लोगों ने कुछ उस कष्ट को देखा है, सहा है, तो जरूरी है कि हम कोई भी कोताही ना करें। आज हम आप लोगों से फिर एक और विनती करना चाहते हैं कि जो भी गेंस हमने आज तक जीते हैं, उन गेंस में एक स्थाई पर प्रजा, एक स्थाई पर हर सिटीजन का सहयोग, दूसरे स्थाई पर हमारे कोविड वॉरियर्स, चाहे वह एक सफाई कर्मचारी हो, चाहे एक एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, चाहे वह एक टेस्टिंग में सपोर्ट करने वाला हमारा एक टेस्टिंग मैकेनिक, टेस्टिंग एक हमारे जो लैब टेक्नीशियंस हों, हमारे डॉक्टर्स, जिन लोगों के सपोर्ट की वजह से जितना भी कष्ट आया इस देश ने इतनी परेशानियां होते भी इस प्रोसेस को मैनेज किया, हमें उसे शत शत नमन करना है। इसी के रूप में हम आपको एक छोटा सा वीडियो भी आज दिखाना चाहेंगे। My name is Devashish Desai. I'm a senior resident in infectious diseases at the Department of Medicine. एक साल से भी अधिक समय से हमारे देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में निस्वार्थ भाव से योगदान दे रहे हैं। ये वॉरियर्स सरकार के अथक चेहरे हैं, जो लोगों का जीवन बचाने में जी जान से जुटे हुए हैं। पूरे देश के लिए ये बहुत ही विकट समय है और ऐसे संकट की घड़ी में हम सब लोग स्वास्थ्य कर्मचारी भारत सरकार से मिलकर काम करें, उसी में हमारा सब लोगों का भलाई है। वे इस कठिन समय में राष्ट्र का सुरक्षा कवच बनकर निरंतर परिश्रम कर रहे हैं और पूरा देश वास्तव में उनके समर्पण और परिश्रम की सराहना कर रहा है। कभी कभी घर से ही सीधा फील्ड में निकल जाते हैं, गाड़ी लेकर ड्राइवर लोग, टीम लोग उधर ही पहुंच जाती है, वहीं से निकल जाते हैं, फील्ड में गए, वहां से सैंपल लेके आए, लैब में सबमिट किए, उसके बाद कभी लंच किया, कभी नहीं टाइम मिला तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट कॉल आया, दूसरी जगह चले गए। आनंद जैसे हजारों लैब टेक्नीशियंस जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ऐसे मुश्किल समय में और बिना खुद का सोचे करोड़ों लोगों का टेस्ट करके सरकार का हाथ बटाया, उनको हम शत शत प्रणाम करते हैं। हम ही अगर बैठ जाएंगे तो बाकी लोग यही सोचेंगे, सब बैठ जाएंगे तो एक दूसरे की हेल्प कौन करेगा, सारे लोगों की बीमारी हो जाएगी तो कैसे चलेगा हमारा देश। ये हमारे देश के कोविड योद्धा हैं, हम इनके कृतज्ञ हैं। इन सभी वॉरियर्स को हमारा सलाम। कोविड संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो कोरोना वॉरियर्स को हम सलाम करते हैं, जिनके दम पे भारत इस लड़ाई को लड़ रहा है, सक्सीड हो रहा है और इस बीमारी को खत्म करके हटेगा। सो आई जॉइन यू ऑल इन सैल्यूटिंग आवर कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स ऑफ ऑल कैटेगरीज। And today, in particular, we saw a great example of the role being played by the technical teams, those who carry out diagnostic tests in various locations, hospitals, in outreach locations, and so on.
But there's a large group of people who are working as a team in this regard. Nurses, doctors, sanitation workers, ambulance workers, receptionists, the helpers in wards, and so on and so forth. And of course, we also like to salute the frontline workers, the security personnel, municipality workers, and people who are engaged in disaster control activities, the partnership coming from the NDMA, and so on and so forth. And people at large, people who are mobilizing others, looking after their needs in difficult times. We salute them all today. Thank you. Thank you for this very nice, very beautiful video. Essentially, 2 points. Firstly, let me take you from Lav Agarwalji, that as we are opening up our responsibility, our discipline becomes very, very important. And today you saw again a very nice clipping and a nice collage of tasks that we should be performing and being careful about during commuting, travel. Very practical aspects were shown, and I like that to be shared widely, because in a very nice, clear way, the principles of avoiding infection and not passing on infection, both aspects have been highlighted by simple precautions that we can embrace. इसी प्रकार जब मार्केट्स खुल रही हैं, हम याद दिलाना चाहेंगे कि हम भीड़ नहीं करेंगे, हम दूरी बनाएंगे, अब हम अपनी बारी की वेट करेंगे, बंद माहौल में कम लोग रहें, यही हम सबके लिए अच्छा है. दुकान के बाहर खड़े हों तो दूर दूर खड़े हों, और दुकान वाले भी, दुकान में मदद करने वाले भी, और जो क्रेता है, कंज्यूमर है, क्लाइंट है, वो सब मास्क पहनेंगे, और अच्छी तरह से मास्क को पहनेंगे, ठीक तरह से मास्क को पहनेंगे. वी आर ड्यूटी बाउंड टू कंडक्ट आर सेल्व इन दैट मैनर. इसके अलावा जो हमारा एफर्ट्स है टेस्टिंग, एफर्ट्स है कंटेनमेंट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट. याद दिलाना चाहेंगे कि अब वायरस के ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी लो है, दबी हुई है, और जब भी आप कहीं पे पॉजिटिव केस आए, उस पॉजिटिव केस को अलग करना है, उनके कॉन्टैक्ट्स को हमें अलग करना है, और जहाँ एक क्लस्टर केसेस का बनता है उस जगह को हमने कंटेन करना है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनानी है, उस एरिया को पेरीमीटर कंट्रोल करके अलग रखना है. ये याद दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसी तरह से वायरस की पहुंच को लोकलाइज करेंगे बाहर नहीं फैलेगी. ये मुश्किल स्टेप है, बहुत कोऑपरेशन चाहिए, एनफोर्समेंट चाहिए. कई दिनों तक वो एरिया जो है वो अलग हो जाता है, उसमें एसेंशियल सर्विसेज चाहिए, मदद चाहिए, 14 दिन, 21 दिन. लेकिन वो एक कारगर तरीका है वायरस कंटेनमेंट का, और उसकी जिम्मेवारी समाज की भी है और सिस्टम की भी है. दोनों के जुड़ने के साथ ही ये संभव हो सकता है कि कंटेनमेंट कैसे किया जाए. जब बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो ये कंटेनमेंट मुश्किल हो जाता है कि कितने बड़े एरिया को बंद कर लें. इसीलिए पर्टिकुलरली याद दिलाना चाहूँगा, आई लाइक टू रिमाइंड दैट Now, when we surveil the presence of the virus, occurrence of cases, we must, after testing, after identifying a hotspot, we must invoke the principle of containment effectively. अभी हमें वो थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी localities में करना पड़ेगा, और संभव है कि उसको वहीं suppress कर देंगे. इतना सीख लिया है हमने कि जल्दी पकड़ो तो काबू में रहता है, देर हो जाती है तो बढ़ता जाता है, इतना फैलता तो फिर स्पीड बढ़ जाती. एंड लेट्स ऑल्सो रिमाइंड आर सेल्व कि जो हम वेरिएंट्स के साथ डील कर रहे हैं वो पुराना ओरिजिनल वेरिएंट्स की बजाय हम अब जानते हैं क्लियरली कि रिलेटिवली हाईली ट्रांसमिसिबल है, फैलता है. तो इसलिए उस एफर्ट में, कंटेनमेंट के एफर्ट में हमें और भी चौकस रहना पड़ेगा, और इसी प्रकार अपना बिहेवियर,
सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क की भी जिम्मेवारी हमें ये लेके एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि ये वाला जो वायरस है ये ज़्यादा चलाक वायरस हो गया है 2020 के मुकाबले में, तो उससे भी ज़्यादा चौकसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर, प्रिवेंशन, ये सब हमें करना पड़ेगा। यही ये रास्ता बिल्कुल क्लियर है, इसके बिना सिचुएशन फिर खराब हो सकती है। ऑन द वैक्सीन फ्रंट, एज यू नो टुडे 26 करोड़ मार्क हैज बीन ब्रीच्ड, वी हैव गॉन हायर देन दैट। यू ऑल्सो नो दैट द वैक्सीन पेस हैज पिक्ड अप एंड देयर इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू द नोवावैक्स रिजल्ट्स दैट हैव कम यस्टरडे, वेरी प्रॉमिसिंग। दिस इज अ प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन गिवन इन टू डोजेस। What we are learning from the data that's available in the public domain, that this vaccine is very safe and this vaccine is highly effective, more than 90% as you heard. But what makes this vaccine relevant for today, in order to mention this, is the fact that this vaccine will be produced in India. There is preparatory work already accomplished by the Serum Institute. They are in collaboration with the original company, and in fact, as you know, they are also conducting a bridging trial already, which is in advanced stages of completion. So the efficacy and positive results of this study augur very well for our nation, because on our soil this vaccine will be produced, hopefully in very large quantities. There will be some gap for a while. When the production picks up, ramps up, but also regulatory processes and regulatory requirements are met. And while we wait for that, we surely have something to feel good about and some, again, to feel proud that another vaccine looks like on the horizon in near future as a part of the vaccine choice that our nation can have. So I congratulate this the team which is already engaged in establishing production capacity in our country, and also hoping that they will complete the trial as scheduled. And I'm also hoping that they would also start in good time trials in children, because now that we have the safety data in adults, it is time without delay for us to start trials or the bridging trials or complementary trials in pediatric population, which, as you know, is of special interest to all of us. So it's a good development. The pace of vaccination should see renewed energy from next week onwards, jab hum realign karke apni efforts ko, state ke efforts ko, उसमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा समन्वय और मोर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड स्केल अप एट द ग्राउंड लेवल इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड। सो वी लुक फॉरवर्ड टू द न्यू फेज इन वैक्सीन इम्प्लीमेंटेशन, वैक्सीन स्केलिंग अप एंड ऑल्सो रीअफर्म्ड फेथ इन कवरेज थ्रू द प्राइवेट सेक्टर across the country in a very equitable way. So the teams are working both in the center and in the states to set up an efficient program and to build on the new guidelines for high coverage, high speed coverage of the vaccination across the country. Thank you very much. Thank you, sir. We'll now take some questions. Number 19. सर, डेल्टा प्लस के बारे में कोई जानकारी अगर आप दे पाएं कि किस तरह का अभी तक है, यहाँ भारत में कितना मिला और किस तरह की जानकारी आपके पास अभी उपलब्ध है सर? और एक और सवाल है सर, AEFI पर एक मौत की जो आई है, तो ऐसे और कितने पेंडिंग है केसेस की जो AEFI में कमिटी के सामने? तो पहले डेल्टा वेरिएंट के बारे में जो चर्चा पब्लिक डोमेन में आई है,
उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि विदित है और दोबारा भी कहना चाहिए कि mRNA वायरसेस जो हैं, दे आर पर्टिकुलरली predisposed टू errors इन their एप्लीकेशन। When errors in application of their RNA happen, the virus acquires new character to an extent, to a specific instance, an extent. At times, this may be significant from the point of view of the disease. It could be in a region, particularly in spike protein region, which is on the virus through which the virus attaches to the body, to the cell. So if that part becomes smarter than the previous version, it is to our disadvantage. So we are worried about such variants. So पहली बात है कि ये होता ही रहेगा, हो ही रहा है, नेचर में हो रहा है। As you know, Delta variant, जो कि हमारा B1.617.2 है, उस वेरिएंट ने ट्रांसमिसिबिलिटी एक्सेस होने की वजह से सेकेंड वेव में अपना रूप दिखाया। उस वेव को इंटेंस करने में इस वेरिएंट का बहुत रोल रहा है। उसी से मिलता जुलता एक एडिशनल, उसकी उसी लाइन पे एक एडिशनल म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है और ये ग्लोबल डेटा सिस्टम में इसको चिन्हित किया गया है। इसको डेल्टा प्लस भी कहा गया है, AV.1 कहा गया है, कापा वेरिएंट के साथ वो नाम है, लेकिन एसेंशियली एक नया डेल्टा के अंदर ही एक नई चेंज आई है। ये वेरिएंट जो है वो मार्च से देखा गया है यूरोप में, और इसको नोटिफाई या इसको पब्लिक डोमेन में 13 जून को लाया गया, जस्ट अ फ्यू टू डेज अगो। सो The present status is that yes, a new variant has been found. This is a variant of interest. This is not as yet classified as a variant of concern. A variant of concern is one in which we have understood that there are adverse consequences to humanity. Transmissibility badh jati hai, severity badh jati hai, etc. Wo abhi iske baare mein malum nahi hai. Lekin jo change aayi hai, जिस तरह से आई है, उसके इफेक्ट को अब साइंटिफिक तरीके से वॉच करना चाहिए। हमारे देश के बाहर ये पाया गया है, इसको वॉच करना है। जो हमारा इंसाकॉग सिस्टम है, उसके थ्रू भी इसको डिटेक्ट करके देखना पड़ेगा कि हमारे देश में इसकी प्रेजेंस कहाँ है, कितनी है, कैसे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड इन रिलेशन टू द वायरस। जो एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑलमोस्ट 28 लेबोरेटरीज का बनाया गया है, उस काम में ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ फ्यूचर वर्क होगा, और वो कॉन्स्टेंटली इसको वॉच किया जाएगा और देखा जाएगा इसका मतलब क्या, इस वेरिएंट से क्या नुकसान हो सकता है। जैसे कि पब्लिक डोमेन में आया है कि इसकी वजह से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूसेज है, उसको ये नलीफाई करता है किसी एक्सटेंट। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट इट। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। इट इज समथिंग which science should watch, science will understand, but remember that there is no way that you can shoot these variants away. Aisa koi precision weapon hamare paas nahi hai ki in variants ko aage se na ho ya inko hi aap track karke khatam kar de. No, what we need to do is what has been highlighted today by Love, which has been highlighted repeatedly from this. We monitor, we know what is the behavior of these new variants. We are conscious and we are more alert if those variants are bad for us, worse for us compared to the standard. But what is the response you mount? The response you mount is the same principle. Your own behavior, protection. Don't give opportunities to viruses to reach you or to spread from you. Opportunities that virus loves are parties, gatherings, crowding, not wearing a mask, and so on and so forth. तो उसको करना होगा, टेस्टिंग पर को मेंटेन करना होगा,
क्वारंटाइन करना होगा कॉन्टैक्ट्स को, पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट करना होगा, कंटेनमेंट जोन बनानी होंगी, जो बीमार होंगे उनको लुक आफ्टर करना होगा, वैक्सीन देना होगा। लेकिन अगर हम चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकते हैं तो ये वेरिएंट्स भी कम बनते हैं, और चाहे कोई भी वेरिएंट हो उसका स्प्रेड नहीं आएगा। तो जो रूट कॉज, लव एक टर्म यूज करते हैं कि जो रूट कॉज है उसको पकड़ो। रूट कॉज क्या है? चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन। वो कैसे रोकेंगे? कि एक से दूसरे तक नहीं पहुंचे, और बाई चांस पहुंच गई तो जिसको पास पहुंचे उसको अलग करो, और जो उसके कॉन्टैक्ट हैं उनको भी अलग करो अपने तरीके से, जब तक कि उनका फैसला नहीं हो जाता। और बड़े समूह में ऐसे है तो कंटेनमेंट करो। हमारे टूल्स वही रहते हैं, और उन टूल्स में वैक्सीनेशन भी शामिल है, और वैक्सीनेशन का स्केल अप भी होना चाहिए। सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस फॉर वॉचिंग इट्स सिग्निफिकेंस एंड टू सी एंड ट्रैक हाउ दिस वेरियंट प्रोग्रेसिस इन अदर कंट्रीज ग्लोबली, एंड इफ इट हैज प्रेजेंस इन इंडिया where all it is there, for that our system will respond. At the same time, please be, it's another reminder to us, ki jo behaviors hame bachate hain pandemic se, individual ko, society ko, unke upar hamari koi laparwahi nahi ho sakti. Thank you. Number 15, 15. Yeah, with your permission, sir, I just like to highlight one small aspect. Dekhiye, jaise पॉल सर ने एक्सप्लेन किया है डिटेल में, कि एक तरफ है साइंस की तरफ से एनालिसिस करके वेरिएंट को समझना, उसके बिहेवियर को समझना, उसका पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट क्या होगा, मैनेजमेंट इंपैक्ट होगा, उस पर काम करना। उसको करते हुए भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड मुख्यतः पांच हैं। वन इज, वी ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट इट, कोविड मैनेजमेंट इज मोर ऑफ सेम, जो हमने पहले किया वो ही अब करना है। नए प्रिंसिपल्स नहीं है, उन प्रिंसिपल्स को कंटिन्यूड बेसिस पर करना है। एक दिन की गड़बड़ उससे इंफेक्शन फैल जाएगा। प्रिंसिपल्स वही हैं, अर्ली टेस्टिंग, फोकस ऑन टेस्ट, ट्रैकिंग, इंफेक्शन को फैलने देने, कंटेनमेंट पर काम करें, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीट। अगर कोई पेशेंट ट्रीट बीमार हो भी जाए किसी कारणवश, चाहे होम आइसोलेशन या हॉस्पिटल सेटिंग में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। चौथा, नए सपोर्ट के रूप में फोकस ऑन वैक्सीनेशन, और पांचवा और सबसे मुख्य, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो हम आपके द्वारा, जब आपने वेरिएंट के बारे में बात की, आपसे सबसे और सबके सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये पांच प्रिंसिपल्स हमें फोकस करने कंटिन्यूड बेसिस पर जरूरत है, क्योंकि वायरस नहीं थका है। हम कह सकते हैं कि हम एक साल पांच महीने से इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यह हमारे लिए सोलेस नहीं हो सकता, हमें कंटिन्यूड बेसिस पर काम करना है। दूसरा, आपने एडवर्स इवेंट के बारे में पूछा है, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। एक बहुत बार एक प्रश्न आता है कि हम कोविन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, रूरल अर्बन डिवाइड की बात होती है, या हम इसकी बात करते हैं कि भाई अब हमारे बताइए एडवर्स इवेंट कितनी हुई है। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सारा वैक्सीनेशन एक आईटी प्लेटफॉर्म के लिए क्यों जरूरत है, आईटी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज क्यों करना है। उसका एक सिंपल सा कारण है, अगर मैंने फर्स्ट डोज ले ली, जिस टाइप की हमारी लेवल ऑफ अवेयरनेस कई बार सिस्टम में होती भी है, पर्टिकुलरली ट्राइबल, रूरल और इवन स्लम एरिया है, किसी और पर्टिकुलर एरिया में भी, इवन पढ़े लिखे लोगों में भी कई बार हमने देखा है, तो अगर हम एक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो क्या हम ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाएंगे, हम सेकेंड डोज नहीं दे पाएंगे, तो यानी कि आधी डोज देंगे, विच मीन्स वी विल फेल इन आर पर्पस। दूसरा पॉइंट, जब आपने एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की बात की, हाउ डू वी मॉनिटर एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड कंट्री लेवल कि कितने केसेस में एडवर्स इवेंट आई। तो इसलिए आपके द्वारा हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक आईटी प्लेटफॉर्म हमारे को वैक्सीनेशन को ढंग से करने में सबसे बड़ा सपोर्ट है। आज आपसे हम बात करते हैं कि 26 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन डोजेस दी जा सकती हैं, तो हम आपको बता सकते हैं किसको पहली डोज, किसको दूसरी डोज, किसके साथ एडवर्स रिएक्शन हुई। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पर आता हूं, जो बहुत ही एक मुख्य प्रश्न आपने रेज किया है। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि एडवर्स इवेंट होती क्या है। अगर मुझे वैक्सीन दी, हमारा गाइडलाइंस कहती है कि वैक्सीनेशन देने के बाद आप आधे घंटे वहां वेट कीजिए, और उसके अलावा भी आपको कोई एक पर्टिकुलर बीमारी या कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप हमें रिपोर्ट कीजिए। तो एनी अनटूवर्ड मेडिकल अकरेंस जो इम्यूनाइजेशन के बाद हुई,
और उसका रिलेशन उस इम्यूनाइजेशन से होना जरूरी नहीं है। मेरी कोई पुरानी कोमॉर्बिड कंडीशन हो सकती है, वो किसी और कारण से प्रेसिपिटेट हो गई, मेरे कोई और इश्यूज हो सकते हैं, किसी भी कारण से हो सकती है। तो कोई भी एडवर्स इवेंट हो उसको हम एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के रूप में मानते हैं। जब वह रिपोर्ट होती है उसके बाद उसकी कॉजेलिटी एनालिसिस की जाती है कि ये एडवर्स इवेंट क्या वैक्सीनेशन की वजह से हुई या इसके पीछे कोई और कारण था, जिसमें उस पेशेंट का प्रोफाइल स्टडी किया जाता है, उसकी कोमॉर्बिड कंडीशंस और बाकी सारे पैरामीटर्स को, उसके कोई और डिसेबिलिटी थी या कोई और कारण था, उसको स्टडी किया जाता है। सारी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इज इट ए माइनर एडवर्स इवेंट और इज इट ए सीवियर और सीरियस एडवर्स इवेंट। फिर उसको पूरे प्रोसेस को टिल द लॉजिकल एंड मॉनिटर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इम्यूनाइजेशन ऑफिसर स्टेट लेवल पर, और बाद में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के ऑफिशियल्स और नेशनल लेवल के ऑफिशियल उसमें कॉजैलिटी एनालिसिस करते हैं कि इसका कारण क्या था। तो इसके पूरे प्रोसेस हमें समझने हैं। तो यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि एक एडवर्स इवेंट हुई तो एडवर्स इवेंट वैक्सीनेशन की वजह से हुई, ये चीज, ये भ्रम हमें नहीं रखना है। इसी से लिंक्ड एक पॉजिटिव चीज हम आप लोगों की दृष्टि में फिर से लाना चाहेंगे कि जो देश ने हमारे वैक्सीनेशन अप्रूव की हैं, जो वैक्सीन अप्रूव हुई हैं, उनका सेफ्टी पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। डेटा ने ये हमारे सामने रखा है कि अब तक जब हमने, मैं आपके सामने डेटा लाना चाहूंगा, जब 23.5 करोड़ डोजेज दी जा चुकी थी देश में, तब एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन लीडिंग टू डेथ इज ओनली 0.0002%। इट इज एज लो एज 0.0002%। जिसको हमने कैलकुलेट करते हैं तो जब इतने लोगों को हमने डोज दी तो 488 हुए। अब ये 488 डेथ्स विच आर अकाउंटेड फॉर, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, दे कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स। और इसकी पूरी एनालिसिस की जाएगी फील्ड पर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के ऑफिशियल, इम्यूनाइजेशन ऑफिशियल, टेक्निकल एक्सपर्ट पूरे केस को एनालाइज करके फिर उसके बाद उसका एक निर्णय करते हैं कि डिड वैक्सीनेशन इफेक्टेड और वॉज इट बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटी और एनी अदर कंडीशन। तो आपने ये प्रश्न पूछा, हम आपसे यही आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सेफ्टी पैरामीटर्स पर देश की वैक्सीन काफी खरी उभरी है, तभी आप देखिए कि ओवरऑल जो डेथ भी रिपोर्ट हुई है, विच इज अगेन कंसिंग 23.5 करोड़ लोगों का डेटा जब हमारे सामने है डोजेस का, तब भी 0.0002% है। तो आपके द्वारा हम सबसे ये कहना चाहेंगे कि जो वैक्सीन हमारा एक वॉर का एक हमारा एक आर्मेमेंटेरियम है, जिसको हमारे हम यूज करना चाहते हैं, उसको जिसको भी जब उस प्रांत में वैक्सीनेशन सेंटर लगे तो वह वहां जाकर वैक्सीन लगवाए। नंबर 15। सो फॉर द लास्ट 15 मंथ्स द वर्ल्ड हैज बीन बैटलिंग दिस पैंडेमिक एंड ऑफ लेट वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ द वायरस। अ रिपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज फ्लैग्ड दैट अ lab based out of Bangalore was using foreign funds and doing research on zoonotic viruses of bat origin without adequate safety in their laboratory. I want to know what is the Ministry of Health or the Government of India planning to do about these violations? See, any research in India has to follow a process. Agar hamari drishti mein koi bhi aisi event aayegi, जिसमें कि अगर कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाएगा, उसकी डिटेल में जाकर उसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए, क्या एडिशनल स्टेप्स लेने चाहिए, उन सब पर कार्य होगा। आपने जो मुख्य विषय बताया है कि जूनोटिक डिजीजेस, तो आज जरूरी है कि हमारी जितनी लैब्स का सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो हमें और सपोर्ट करे कि हम जूनोटिक डिजीजेस के बारे में और डेप्थ में जा सकें, समझ सकें, ताकि नॉट ओनली दिस पैंडेमिक, फ्यूचर पैंडेमिक के लिए हमारे साइंस के सपोर्ट से हम उनको ढंग से मैनेज कर पाए। नंबर 10। सर, बैकलॉग डेथ्स को लेके मुझे जानकारी चाहिए। अब तक इस वेव में कितनी बैकलॉग डेथ्स हुई है, कितने राज्यों से रिपोर्ट हुई है, अगर वो बता पाए आप सर। देखिए, इसको दो तरीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, जब भी हम किसी के इन्फेक्शन डिजीज से डील करते हैं, बिल्कुल क्लियर है
इन्फेक्शियस डिजीजेज में चाहे वह केसेस हो, चाहे वह डेथ हो, वह हमें टाइम पर रिपोर्ट होनी चाहिए। आपको अवगत भी होगा कि इसके बारे में अभी नहीं, पिछले साल से ही आईसीएमआर ने डिटेल गाइडलाइंस इशू की थी। हमने क्लियरली यह भी अपने डिफरेंट फोरम्स में, डिफरेंट डिस्कशंस में स्टेट को यह भी बताया है कि जरूरी है कि नॉट ओनली हम डेथ को डिक्लेयर करें या केसेस उनको डिक्लेयर करें, हमने साथ में यह भी कहा कि टाइम पर डेथ ऑडिट भी करें, ताकि हमें उसके थ्रू ये पता लग सके कि क्या हमारी लर्निंग्स हैं जिसके थ्रू हम फ्यूचर में किसी भी एक और अवॉइडेबल डेथ को बचा पाए। अब जैसे आपने ये विषय रेज किया कि कुछ केसेस में, कुछ पर्टिकुलर एक दो जगह पर बैकलॉग केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो उसमें मुख्य विषय जो हमें समझने की जरूरत है, एज पार्ट ऑफ दैट सेम प्रिंसिपल कि कोई केस ना हम भूल पाए, कोई डेथ हम मिस ना हो पाए, अगर किसी भी स्टेट के लेवल पर, आइदर बिकॉज द हेल्थ सिस्टम वॉज अंडर स्ट्रेन ड्यूरिंग द पीक ऑफ सेकेंड वेव, अगर कोई आपकी केसेज हो या डेथ हो, तो आप अगर किसी कारणवश फील्ड में किसी हॉस्पिटल ने टाइम पर रिपोर्ट नहीं किया, तो आप उसे रिपोर्ट कीजिए। हमने साथ में एक और चीज कही है, नॉट ओनली यू रिपोर्ट नंबर अलोन, यू हैव टू ऑल्सो गाइड अस विद रेस्पेक्ट टू द फैक्ट कि वह पर्टिकुलर केस या वो डेथ किस दिन हुआ और किस जिले में हुआ। यह बहुत जरूरी है। अगर हम खाली यही आपसे बात करें और आपके थ्रू या स्टेट से बात करें कि एक स्टेट में 1000 डेथ एडिशनल रिपोर्ट हो गई जो कि एक हफ्ते पहले की डेथ थी, उससे केसेस की ट्रेजेक्टरी को समझना मुश्किल है, उससे इन्फेक्शियस डिजीज के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के तहत नेक्स्ट हमारी बैटल क्या है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो हमने हर स्टेट से यही रिक्वेस्ट की है कि अगर किसी कारणवश आपकी कोई डेथ रिपोर्ट ना भी हुई हो, कोई केसेस ना भी रिपोर्ट हुए हो, एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन अगर फिर भी हुआ है, तो काइंडली उसको रिपोर्ट करें, जो फील्ड लेवल पर अगर कोई डेटा गैप है उसको रिपोर्ट करें, और रिपोर्ट करने के साथ साथ हमें यह भी अवगत कराएं कि वह किस दिन और किस जिले में हुई है। दूसरा इसी से एक लिंक्ड इशू आता है। आज जब हम एक पर्टिकुलर स्थाई पर केसेस में डिक्रीज नोट कर रहे हैं, कुछ जगह पर डिफरेंट एक टाइप की रिपोर्ट भी आती है कि हम क्या करते हैं, जैसे इससे पहले भी इस विषय पर एक बार डिस्कशन हुआ था कि हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं और एनालिसिस करके कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 17%, जिनका कोई एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिनके कोई, जिसे कहते हैं कि जिस अप्रोच से कोई डेथ रजिस्टर होती है या कोई केस रजिस्टर होता है, वो उन प्रिंसिपल्स के विरुद्ध होकर अगर हम एक ड्रामेटिक फिगर लाना चाहें, तो ये मान के चलिए देश में केसेस और डेथ छुपती नहीं है, वो आ जाएंगी। आज भी स्टेट खुद ही रिपोर्ट कर रही है कि हमारे इस पर्टिकुलर, जैसे बिहार का एग्जांपल आपके सामने है, उन्होंने पूरा एनालाइज किया, उन्होंने हॉस्पिटल वाइज एनालाइज किया और जो एडिशनल डेथ थी उन्होंने खुद ही रिपोर्ट की। महाराष्ट्र में ऐसे केसेस आए हैं जिसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल क्लियर तरीके से जो डेथ थी, केसेस थे, उनको रिपोर्ट किया। केरला में कुछ ऐसे केसेस आए हैं और बाकी स्टेट में भी अगर कहीं पर कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं, स्टेट्स व्हेन वन साइड दे वर ग्रैपलिंग विद ह्यूज स्ट्रेन ऑन देयर हेल्थ सिस्टम आर नाउ ऑल्सो आइडेंटिफाइंग कि कहीं कुछ मिस हुआ, वो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम ऐड करके उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। और हमारे लिए जरूरी है कि हम एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और अगर कोई डेथ मिस हो गई हो उसको आज या कल में जब भी हो तब भी रिपोर्ट करें, लेकिन एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमारे मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क फील्ड में उसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहे। सर मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि मैं आपसे फिगर्स की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे इन प्रिंसिपल बात कर रहा हूं। जैसे मैंने आपसे अभी रिक्वेस्ट की है, हमारे लिए जरूरी है कि ना तो कोई डेथ छुपे ना कोई केस छुपे, हर चीज दृष्टि में आना चाहिए, हर चीज मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमने इससे पहले एडवर्स इवेंट की बात की, हर चीज मॉनिटर होनी जरूरी है ताकि हम इस बीमारी से, इस पेंडेमिक से जी सके। नंबर 50। सर एक रिपोर्ट आई है कि जो कुंभ में जो टेस्टिंग हुई थी उसमें 1 लाख के करीब, एक प्राइवेट एजेंसी ने कुछ घोलमाल किया है, 1 लाख से करीब फर्जी जो हैं वो उन्होंने रिपोर्ट्स उसमें बनाई, डेटा ऑपरेटर्स को यूज़ किया गया, एफिशिएंट जो मैन पावर था उसको भी यूज़ नहीं किया गया पूरे टेस्ट कंडक्ट करने में। अभी इस पे मिनिस्ट्री आगे इस तरह की घटनाएं ना हो उसको लेकर के किस तरह से आप काम कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर केस में क्या कोई इन्वेस्टिगेशन या किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? मैम जैसे आपने इस विषय के बारे में बताया,
ये कुंभ के समय पर एक घटना रिपोर्ट हुई। फैक्चुअली अगर आप इसको एनालाइज करें, एक पंजाब के एक आदमी के पास एक SMS आया हमारे ICMR पोर्टल से कि आपकी SRF ID यानी कि टेस्टिंग ID ये है और आपका टेस्ट नेगेटिव है। जब ये ICMR को पता लगा, ICMR ने स्टेट गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया। स्टेट गवर्नमेंट ने बड़े प्रोएक्टिव मैनर से, नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर केस, उन्होंने साथ में अपने कंट्रोल रूम के थ्रू जो जो सैंपल कलेक्टर्स जो कि एजेंसीज ने बताए थे उनको कॉल किया। तो जो फिगर आपने बताई है कि कुछ लोग वहां प्रेजेंट भी नहीं थे और उसके बावजूद वो टेस्टिंग कलेक्शन के रूप में दिखाए गए, इसी तरह से कुछ लोग जो वहां थे नहीं जिनको की टेस्टिंग हुई दिखाया गया, स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ही माइक्रो डिटेल में जाकर इस पूरे विषय पर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद DM हरिद्वार से कहा कि आप इसके बारे में पूरी एक डिटेल्ड एक्शन रिपोर्ट बना के हमें बताएं कौन रिस्पॉन्सिबल है ताकि उस पर रिक्वायर्ड एक्शन लिया जा सके। इस बात को करीब एक हफ्ता हो चुका है। जो फिगर आपने बताई कि वह 50,000 है, 1,00,000 है, दिस इज मोर ऑफ टू बी डिटर्मिंड बाय द एंड ऑफ इंक्वायरी। इसके बारे में ना हमें पता है ना आपको पता है, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई गलती हुई है तो स्टेट के सेक्रेटरी हेल्थ जिनसे मेरा डिटेल्ड इस विषय में चर्चा भी हुई थी, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 7 से 8 दिन में डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी। जो भी लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, इंक्लूडिंग क्रिमिनल एक्शन या जो भी एक्शन लिया जाना होगा वह स्टेट के लेवल पर लिया जाएगा। हमारे लिए जरूरी है, एक विषय हमने इससे पहले ही बात की थी, कई बार हमारी संवेदना को हर्ट ये करता है कि इस क्राइसिस के टाइम पर भी जैसे फेक न्यूज आ जाती है, तो क्या कोई इस समय में भी फेक न्यूज क्रिएट कर सकता है? इसी तरह से यह भी एक संवेदना को हर्ट कर सकता है कि क्या इतने बड़े क्राइसिस के टाइम में भी क्या हमें इस टाइप के इश्यूज को डील करना पड़ेगा। लेकिन जैसे भी आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन स्टेट उन पर रिक्वायर्ड फॉलो अप करेगी। नंबर 16। सर मेरा सवाल लव सर से है। एक कोविन ऐप को लेकर आधार कार्ड का मामला है कि आधार कार्ड एक्स आदमी का है लेकिन उसके ऊपर किसी और ने रजिस्ट्रेशन करवा के टीकाकरण भी करवा लिया है। ये कोविन ऐप में क्या इस तरह की समस्या आई है, और अगर इस तरह की समस्या आती है तो जो ओरिजिनल कार्ड होल्डर है उसका वैक्सीनेशन कैसे होगा? सर दीज कैन बी इंडिविजुअल एबरेशन कि अगर किसी ने आपका आधार कार्ड लिया, आधार कार्ड से रजिस्टर किया, तो जब आधार कार्ड से आप रजिस्टर करते हैं तो आपको OTP भी आता है, आपने उस OTP को भी उस आदमी को दे दिया तभी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो उस केस में कहीं ना कहीं पर जो आधार कार्ड का ओनर है शायद उसने वह रिक्वायर्ड प्रिकॉशन नहीं ली जिसके कारणवश अगर कभी ऐसा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो आप अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि में लाइए, रिक्वायर्ड करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन। इसके साथ ही मुख्य विषय यह है कि नॉट ओनली आधार कार्ड, मल्टीपल आइडेंटिटी कार्ड्स विच आर ऑल फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स आर ऑल्सो अलाउड, जिसके थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन कर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। बिफोर वी कंक्लूड, जो AFI के बारे में जो खबर आई है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि ये पब्लिक हेल्थ परिप्रेक्ष्य में लेना है। वैक्सीन्स आर बोथ वैक्सीन्स एंड ऑल्सो थर्ड वैक्सीन एंड फ्यूचर वैक्सीन विच एवर विल बी लाइसेंस्ड फॉर यूज इन इंडिया विल फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ ह्यूज ह्यूज सेफ्टी एंड द करेंट वैक्सीन्स हैव फुलफिल्ड दैट क्राइटेरिया एमिकेबली। 26 करोड़ वैक्सीन दिए जा चुके हैं। तो एक AFI का जो इंस्टेंस आपके सामने आया है, प्लीज़ उसको इस दृष्टि से लेना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ के जो फैसले होते हैं वो बहुत लार्ज पब्लिक की बेनिफिट को और लाइव्स को सिक्योर करने के लिए लिए जाते हैं। रिस्क और बेनिफिट, रिस्क एंड और फ़ायदा, उसको बैलेंस में लिया जाना है और जाया जाता है इन फैसलों में। और कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल कि हमें वैक्सीन अपनाने हैं, और ये जो मिनिस्क्यूल रिस्क है जितना भी है बहुत ही कम है, ना के बराबर है, और उसमें भी एक सिस्टम है जो कि इन चीज़ों को कम करने को, इमीडिएट ट्रीटमेंट को, फर्स्ट एड को बिल्कुल एक SOP का पार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें
यही विनती होगी कि भ्रम नहीं होना चाहिए और इसको और इस इंफॉर्मेशन को जो ट्रूथफुली प्रेजेंट की गई है हमारे वेबसाइट पे उसको इस्तेमाल इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम डाउट पैदा करें। सारे वैक्सीन में कोई ना कोई ऐसी तरह का रिएक्शन का रहता है, पुराने जमाने वाले वैक्सीन में और भी ज़्यादा होते थे, तो ये ना के बराबर है, बिल्कुल नैनो इंसिडेंस जैसा है। इसके लिए भ्रम नहीं होना चाहिए, हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए कोई तो रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा। एज सोसाइटी अनफॉर्चुनेट है अगर ऐसे रिएक्शन होते हैं, इसमें कोई संवेदना की तरफ से या सेंसिटिविटी की तरफ से कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस वजह से इतना बड़ा जो हमारा वेपन है, इतना बड़ा वेपन जो कि सारी ही दुनिया ढूंढ रही है, इस्तेमाल कर रही है, उसमें कोई डाउट पैदा करना, उसके बारे में ऐसा सोचना, ऐसा इस वजह इस इंफॉर्मेशन को उस तरफ नहीं ले जाना चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को यह ले जाना चाहिए कि साइंस जब लड़ाई लड़ता है तो ओवरऑल पब्लिक हेल्थ गुड के लिए हम अचीव करने के लिए कर रहे हैं। लास्टली आज ये भी साफ दोबारा कर दिया गया कि जो एज इंसिडेंस पहली वेव का और दूसरी का जैसे आपने देखा, प्लीज़ इसको बिलीव करिए, ये वही है। हमें यंग लोग दिखे क्योंकि बहुत कम दिनों में बहुत ज़्यादा व्यक्ति सामने आए, तो ये भी एक भ्रम फैला और उसको भी आज हमने कोशिश करी कि इसको सेटल करें। हाँ, ये भी याद रहे कि बच्चों में जो हुआ होगा वो हर एक व्यक्ति का वो प्रूवन कन्फर्म्ड नहीं होता है, ये सिम्टोमेटिक होंगे तो टेस्ट ही नहीं करा। वो हमारा सीरो सर्वे का जो रिजल्ट आएगा आपके समक्ष लेके आएंगे। इसलिए आज फिर एंडोर्स करते हैं कि हम पब्लिक हेल्थ मेजर लेते हुए इस लड़ाई को लड़ेंगे। लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, लड़ाई जारी है, और इस स्टेज पे जब हम रिलैक्सेशंस को कम कर रहे हैं तो अपनी चौकसी बढ़ानी है, लापरवाही नहीं करनी, इसको बार बार आप समझाइए, नहीं करनी है लापरवाही, भीड़ नहीं करनी है, ट्रैवल करना है मेट्रो में करना है, रैंप पे आप जा रहे हैं मॉल में या कहीं पे दूरी बना के रखनी है और मास्क पहनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, वी क्लोज द प्रेस कॉन्फ्रेंस नाउ।